ईरान में हो रहा है एक रिवोल्ट, रिवोल्ट महिलाओं का जो कि बुर्के के खिलाफ है और साथ में ऑपरेशन के खिलाफ है, जो ऑपरेशन हो रहा है ईरानियन रिजीम के थ्रू, इसमें क्या इसराइल का हाथ है या नहीं है? ये इट इज अ मैटर ऑफ इट इज अ मैटर विच इज सब्जेक्ट टू डिबेट। हो सकता है ना भी हो सकता है इंडिजिनस रिपोर्ट, ये सारी कहानियां एक तरफ, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ईरान में इससे पहले लड़कियों ने अपने बाल काटे थे, इससे पहले लड़कियों ने डिसोबिडियंस दिखाया था, इस पाप हिजाब के खिलाफ एक लड़की सड़क पे आ गई, और ये डिस्कशंस का अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशन हो रहे हैं कि वो सड़क पे आकर के उसने सिर्फ बिकनी सिर्फ अंडरगार्मेंट्स में घूम रही थी। ईरान में ऐसा होना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये लड़की अब कहाँ है वी डोंट नो। हो सकता है इसको मरवा दिया गया हो सकता है इसको अभी भी जेल में रखा हो, इसको कहाँ गायब किया डोंट नो। हाँ ये जरूर है कि महिलाओं के इस रिवोल्ट को, इस तरीके का रिवोल्ट पाकिस्तान भी फेस कर रहा है, ईरान भी फेस कर रहा है, और इजिप्ट भी फेस कर रहा है, मॉरिशियस सॉरी इजिप्ट फेस कर रहा है, आगे मोरक्को फेस कर रहा है, टूनिसिया फेस कर रहा है, ये महिलाएं पूरी वर्ल्ड की मुस्लिम महिलाएं ये सामने आई हैं, उठी हैं, और आकर के इन्होंने बोला है कि नहीं अब हम नहीं सहेंगे और हम इस ऑपरेशन के खिलाफ बोलेंगे। इसी बात करने के लिए एक और लेडी, मुस्लिम लेडी जो कि पहले मुस्लिम थी अब नहीं है, इन्होंने इन्होंने ही इन सारी महिलाओं को रास्ता दिखाया। इनका नाम है महलीज सरकारी और ये मिस पाकिस्तान भी रह चुकी है, इस समय कनाडा में है। महलीज जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में, जिस रिपोर्ट की फ्लैग बियरर आप ही थी तो आपसे बात करना बनता था। ये क्या पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में लेडीज रिपोर्ट कर रही हैं? जी नमस्ते रोहित जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। होपफुली मेरी आवाज से ठीक आ रही होगी आपको। लेकिन जब मैंने मिस पाकिस्तान किया था 2007 में, तो मेरी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जहाँ पर मैंने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ था। वो मेरे पास है नहीं इस वक्त अभी, मगर मैं आपको भेज देती वो, और मैं बिकिनी में थी। तो पूरी दुनिया पागल हो गई थी, इस्लामिक यानी पाकिस्तानी पागल हो गए थे वो। तो आई नो कि ये कितनी बड़ी चीज है इन लोगों के लिए कि कोई लड़की बिकिनी में आ जाए, राइट? तो इस चीज की जो है हम, मैं तो इसके पीछे कब से लड़ रही हूँ। आई थिंक अगर एक औरत को हिजाब पहनने की चॉइस है तो फिर एक औरत को बिकिनी पहनने की चॉइस होनी चाहिए, राइट? या आप डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं कि आपने एक तरफ तो ओ हिजाब इज अ चॉइस व्हिच इज नॉट, वी नो दैट, राइट? मगर फिर दूसरी चीज दूसरे उस पर आ जाते हैं। पॉइंट ये है कि आप इन मर्दों के आगे ना पूरी आर्मी ले आओ ना, ये इतना नहीं डरेंगे, मगर एक लड़की ले आओ ना बिकिनी में, तो इन लोगों के चक्के छूट जाते हैं, पागल हो जाते हैं ये लोग। इन लोगों के सामने अगर ईरानी लड़कियां सारी अपनी अंडर गार्मेंट्स में आ जाए ना, मेरे ख्याल से सब भाग जाएंगे, क्योंकि औरत की बॉडी को लेकर ये लोग इतने इतने वो कहते हैं ना कमजोर हैं, क्योंकि इनकी वीकनेस है। सो दिस इज व्हाट यू सी अप देयर। अब इस लड़की के बारे में काफी सारी न्यूज़ चल रही है, आई वाज रीडिंग अ लॉट ऑफ ट्वीट्स एंड स्टफ, और जब मैंने भी ये देखा ना तो मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि इसका तो दिमाग खराब होगा। नोबडी इन हर इन देयर सेंसेस इज गोइंग टू डू दिस इन ईरान। जिसके दिमाग ठीक हो वो कभी ऐसे नहीं करेगी। मैं बाद में ये पता चला कि स्टोरी ये थी कि शी वाज, आई थिंक उसका हिजाब सही से नहीं था, कुछ गलत थी, तो इसके साथ थोड़ी धक्कम फैली हुई जिसमें इसके कपड़े फटे, और उसने फिर इसी वजह से प्रोटेस्ट में उसने सारे कपड़े उतार दिए, एंड शी जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड अप देयर। और फिर उसके बाद जो है लोगों ने आई गेस जो शरिया पुलिस आई और उठा के ले गई। आई डोंट नो अब इसके वेयर अबाउट कहाँ है, कौन इसके साथ क्या कर रहा है, मगर नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि उस लड़की का जो है दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था, विच आई यानी हो नहीं सकता आई यू नो, मगर जो असल चीज है कि वो प्रोटेस्ट में से कर रही है, इट डजंट लुक लाइक कि उसका दिमागी तवाजुन खराब है। वो इंतजार कर रही थी कि इसको आके वो अरेस्ट करेंगे। मैंने एक और ट्वीट देखा था जहाँ पे एक लड़की ने लिखा है कि किसी को बॉदर नहीं कर रही थी, कोई उसको देख नहीं रहा था, नो बडी केयर्ड, वो जैसे भी घूम रही थी। मैंने कहा नो बडी केयर्ड मतलब शरिया वाले आए और उठा के ले गए, अगर नो बडी केयर्ड तो उसको जस्ट बीन वॉकिंग अराउंड, वो घर चली जाती अपने, मगर नहीं पीपल केयर्ड ना। तो पुलिस को बुलाया गया और उसको अरेस्ट करवाया गया, अब उसको लिंच करके सामने सबके जो है उसके ऊपर असॉल्ट नहीं किया गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि पाकिस्तान में अगर ये ऐसे होती तो इसका तो हाल दूसरा ही होना था। मगर आई डोंट नो ये हम सारी जो है ना लड़कियां जो है जो इन मुस्लिम कंट्रीज से आती हैं, ये हमारी उनके साथ लड़ाई रही है कि हमारी बॉडी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। अगर हमारी छोटी सी जो भी है देख कर आपको थोड़ा सा कुछ होने लगता है,
तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपके दिमाग की प्रॉब्लम है, आप बीमारी मरीज हो, आप बंद होकर घर में बैठो। क्योंकि अगर हम औरतों को आप खुला छोड़ दो और मर्द अंदर बंद हो जाएंगे, हम थोड़ी जा रहे हैं किसी को प्रॉब्लम करने। वी वुड केयर लेस कि किसने क्या पहना हुआ है, किसने नहीं पहना हुआ है, हमको एक दूसरे से थ्रेट थोड़ी है। तो जिसकी प्रॉब्लम है वो कहता है नहीं, हम तो घूमेंगे, बीमार लोग घूमेंगे, और जो सही लोग है जिनका दिमागी तवाजुन सही है उनको बुरके में बंद कर दो, गार्बेज बिन बना दो और घर में बंद कर दो। तो इस पे अब बहुत सारी, इवन मैंने मुसलमान लड़कियों को भी देखा है जब वो जाकिर नालायक होके गए थे यहाँ से, तो वो भी जो है ना थोड़ी थोड़ी वो हो रही है कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, राइट। सो ये डबल स्टैंडर्ड है आपका। फिर हम जब यहाँ कहते हैं कि हमें हिजाब नहीं चाहिए तो फिर आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। ये सर, जो सिचुएशन हम ईरान में देख रहे हैं, इससे पहले हमने औरत मार्च में भी देखी थी पाकिस्तान में, हमने यही सिचुएशन तो तुनिसिया में भी देखी जहां पे लड़कियां टॉपिस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी। क्या इतना रिप्रेशन और इस रिप्रेशन के खिलाफ जो रिवोल्ट है, क्या ये अक्रॉस द वर्ल्ड है और किस तरीके का, मतलब ये इंडिविजुअल सामने आ रहा है, क्या कहीं नफरत है इस तरीके के जो फतवे आ रहे हैं, इस तरीके के जो इम्पोज किया जा रहा है कि आप एक बुर्के में रहेंगी या हिजाब में रहेंगी, लड़की लेडीज में नफरत तो है? ऑफ कोर्स, देखें जितना आप किसी को दीवार से लगाओगे ना, जितना आप पुश करोगे, कभी ना कभी तो बंदा या बंदी उठ के वो रिवोल्ट करेगा। एंड दिस इज हाई टाइम। आप दुनिया को देखो कहां से कहां निकल गई है। इलॉन मस्क मार्स पे जा रहे हैं और ये लोग अभी तक कपड़ों पे पड़े हुए हैं। मैं तो लोगों से ये कहती हूँ, मुझको तो हर कोई आगे ही बोलता है तुम तो नंगी घूमती हो। पहले तो भैया आप नंगा डिफाइन करें मुझे, क्योंकि वो लड़की भी नंगी तो नहीं थी। नंगा मेरे उसमें वो होता है कुछ नहीं पहना हुआ हो। इनकी तो इंटरप्रिटेशन ही डिफरेंट है ना। मैंने सर पे हिजाब नहीं लिया तो मैं सर से नंगी घूम रही हूँ, इनके लिए तो मैं नंगी हो जाऊंगी। अगर मैंने स्लीवलेस पहनी हुई है तो वो मैं नंगी हो गई। तो भैया आप बताओ, आप बताओगे हमारी बॉडी को कि क्या करना है? कि हमारी बॉडीज जो है अभी भी ये मर्द डिसाइड करेंगे कि हमें अपनी बॉडीज के साथ क्या करना है इन 2024। बताओ अगर इलॉन मस्क मार्स पहुंच जाएगा ना और वहां पे कोई सिविलाइजेशन निकल आती है ना जो नंगा घूम रही होगी, पूरे नंगा घूम रही होगी, ये वहां भी पहुंच जाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं तुम अब हिजाब पहन, उनको भी हिजाब पहना देंगे सीरियसली। तो दिस इज अ थिंकिंग कि आप लोग आगे कभी बढ़ना नहीं। दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई है, ये अभी तक लड़कियों के कपड़ों में ही घुसे हुए। क्योंकि देखिए इन लोगों का दिमाग यहाँ से काम नहीं करता ना, इनका दिमाग करता है टांगों के बीच में से काम। एंड दैट्स इट, एंड दैट्स योर देयर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। नहीं नहीं, लेकिन कुछ इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो कि फीमेल ही हैं, वो ये बोलती हैं कि हिजाब इज अ चॉइस, आप उसे रोक नहीं सकते, वो दे सपोर्ट हिजाब। यस, फ्रैंकली स्पीकिंग हैं, और मतलब बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, वो बोलते हैं हिजाब इज अ चॉइस, आप हिजाब को रोक नहीं सकते, और कोई भी किसी का मन करे पहने, ना मन करे ना पहने। हालांकि मैंने खुद उनकी जीन्स में फोटोग्राफ देखी है और ये भी देखा है वो उन्होंने कभी हिजाब नहीं पहना, लेकिन वो दूसरे को पहनाने के लिए तैयार हैं कि इज अ चॉइस, जो पहनना चाहे वो पहन सकता है। लेडीज इसके खिलाफ भी हैं और जो नहीं पहन रहा है वो सपोर्ट कर रहा है इसको। किस तरीके की माइंडसेट? ये वो लेडीज है ना जो सेक्युलर कंट्रीज में बैठी है ना, ऐसी बहुत वहां पे यूके में भी बैठी हैं, कनाडा में भी बैठी हैं, और खुद नामहरम के सामने आकर रोजाना वीडियो लुभा लुभा के थोप के मेकअप आ जाती है ताकि वो लुभाएं। देखिए यू नो, और उनसे वो भाई तुम्हारा हिजाब कहाँ है, तुम्हारा हिजाब पहनो ना। अगर तुमने इस्लाम का ही ठेका ले रखा है और इस्लाम के उसमें ही आ रही हो, हिजाब इज ओनली अ चॉइस इन अ सेक्युलर कंट्री, ओनली अ सेक्युलर कंट्री गिव्स यू द चॉइस, और वहां भी चॉइस नहीं है। यहाँ पर एक केस आया था, उसका नाम मुझे अभी भूल रहा है, जो बंदे ने अपनी तीन बेटियां मार दी थी रिफ्यूज टू वेयर द फक, सॉरी मेरे मुंह से निकलने वाला था, मगर मुझे गुस्सा आता है इस चीज पे कि दे रिफ्यूज टू वेयर हिजाब लिविंग इन कनाडा, और उनको उठाकर मार दिया उसने। तो उसके बाद जाके कनाडा वालों को ये पता चला कि ऑनर किलिंग भी कोई चीज होती है। आपका ऑनर औरत के बालों में है, औरत के जिस्म में है आपका ऑनर। ये चीज कि हमारी, हमको अभी तक प्रॉपर्टी समझा हुआ है लोगों ने कि कब जाएगी थिंकिंग। और ये जो बंदियां बैठी हिजाब हिजाब कर रही होती है ना, मैं कहती हूँ कि सेक्युलर कंट्रीज को इन पे पोज करना चाहिए कि आप हिजाब पहनो, पहले खुद पहनो और फिर दूसरों को बोलो। चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। अभी एक यूके में भी बैठी होती है, वो भी हर वक्त इस्लाम का गाना, इस्लाम का गाना, खुद बैठी है यूके में सिक्योर कंट्री में, और बैठ के इनको इस्लाम चाहिए दूसरे मुल्कों में। अगर मैं पाकिस्तान में बैठी होती ना इस वक्त, और ये औरतें इस बकवास कर रही होती, तो आई स्वेयर
कि मेरा खून जो है ना, जो अभी भी बॉयल होता है ना, इससे ज्यादा बॉयल हो रहा होता कि तुम वहां पर बड़े मजे से लड्डू खा रही हो, मर्दों से बात कर रही हो, ज्यादातर फॉलोइंग तुम्हारी मर्द है, सब तुम्हें सपोर्ट ही सारे मर्द कर रहे हैं तुमको बैठ के, और तुम यहाँ बैठ के मुझे बता रही हो कि मुझे क्या पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए. हिजाब इज नॉट अ चॉइस. हिजाब इज नॉट अ चॉइस इवन इन लॉट ऑफ सेक्युलर कंट्रीज. घर में लोग फोर्स करते हैं आपको पहनने के लिए, और लड़कियों को पता है कि हम नहीं पहनेंगे, या तो हमारी मौत हो जाएगी या हमको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा. सो इट इज नॉट अ चॉइस. राइट, नॉट अ चॉइस. अच्छा एक चीज और मैंने जी, ये जो हम जिस तरीके के रिपोर्ट्स देख रहे हैं महिलाओं की तरफ से अक्रॉस इस्लामिक वर्ल्ड, ये रिबेलियन इसको कुचल दिया जाता है. ये लेडी भी गायब हो गई. इससे पहले एक लेडी थी जिसने रिवोल्ट किया था, अपने बाल काटे थे, वो भी पता नहीं कहाँ है. उसके बाद में फोटोग्राफ्स आई थी, बहुत सारी चोटें लगी हुई थी. ये ऐसे ये महिलाओं को मारते हैं, क्या ये इस्लामिक तरीका है? अगर हिजाब इस्लाम में है तो ये मारना भी इस्लामिक है क्या, जो जो ये अपनी लेडीज के ऊपर इतनी इतनी एट्रोसिटी करके उनको बोलते हैं कि नहीं हिजाब तो आपको पहनना पड़ेगा, क्या ये अलाउड है मारना? इस्लाम में तो आप जरा सा भी इस्लाम के खिलाफ अगर कुछ कर लो ना, तो उसमें आपको बस सिर्फ कत्ल ही मिलेगा. आपको मार दो, आप इस्लाम छोड़ोगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा. आप थोड़ा सा शरिया से इधर उधर चले जाओगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा. मगर हिपोक्रेसी मुझे यहाँ दिखती है, क्योंकि अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री में जाएं तो वहां पर तो मंडियां लगती थी, वहां तो मंडियां लगती थी, और जो काफिर थे लौंडियां होती थी उनको, जैसे बकरा बकरे और ये इनकी मंडियां नहीं लगती हैं, और जाकर आप बकरे के दांत देख रहे होते हो, उसकी बॉडी चेक करते हो कि वो तगड़ा है कि नहीं, इसी तरह से औरतें जो है वो टॉपलेस खड़ी होती थी वहां पर. ये तो वहां पर था ना कि जो नॉन मुस्लिम थी उनको तो टॉपलेस घूमना था, और जो मुसलमान औरतें थी वो सर कवर करती थी ताकि पता चले कौन मुसलमान है कौन नॉन मुस्लिम है. और वहां मर्द हजरात जाते थे, मुसलमान मर्द हजरात जाते थे, वो चेक करते थे कि भाई कहाँ क्या है, सही है, ऊपर नीचे हर जगह से पूरा चेक करते थे, और फिर जो है वहां से वो खरीद कर उनको लेके चले आते थे. तो भाई आप लोगों को एलर्जी क्यों हो रही है? आप लोगों को क्यों एलर्जी हो रही है? आप लोगों के उसमें तो न्यूडिटी अलाउड है, आपके उसमें सेक्सुअलाइजेशन जो है सबसे ज्यादा सेक्स अलाउड है. एक वाहिद रिलीजन है जो कहता है कि मरने के बाद भी आपको हूरें मिलेंगी. ये कॉन्सेप्ट जब मैंने सुना था ना तो मेरा तो दिमाग घूम गया था कि मर के बाद, यानी आप इतने सेक्सुअलाइज्ड डिप्राइव्ड हो, या पता नहीं आपके अंदर कैसा कीड़ा है कि वो मरने के बाद भी नहीं मर रहा. सो ये इनकी हिपोक्रेसी है, इनका बस चले तो ये जो है खुद वैसे सारा दिन जो है ऐसे काम करते हैं जो इस्लाम के बिल्कुल ही खिलाफ है. अब आप इस्लाम के ठेकेदार देखो ना, मैंने क्या नई चीज, यहाँ ट्रेंड जो चल रहा है ना आजकल, यहाँ के जितने टॉप स्ट्रीमर्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, एंड्रयू टेट उठा लो, स्नीको उठा लो, इन सबको कन्वर्ट कर लिया है. ये सारे कन्वर्ट हो गए हैं इस्लाम. मगर इनकी हरकतें देखिए ना क्या करते हैं ये. हाँ, ओनली फैंस पे पिंप बन के लड़कियों को बेचने वाला अब इस्लाम का ठेकेदार बन के बैठा है वहां पर. उस दिन उसकी एक तस्वीर आती है, आधा नंगा खुद बैठा है, स्मोक कर रहा है, हुक्का पी रहा है, और कह रहा है हेलोवीन हराम है. यानी आप भाई तू खुद नंगा बैठा वहां पे, हुक्के पी रहा है, और यू आर द पिंप. और किसी को पता है तुम जो सेक्सुअल ट्रैफिकिंग करते रहे हो, तो ये तो सही रिलीजन में जा रहे हैं ना, क्योंकि देयर रिलीजन टीचेस यू दैट. क्या आप लड़कियों को खरीदो, फरोख्त करो, वो सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए बनी है, और आपके घर में वो बस सिर्फ और सिर्फ एक माई की तरह रहेंगी, स्लेव की तरह रहेंगी. दैट्स इट. दैट इज ऑल द राइट इस्लाम गिव्स टू वुमेन. ये सारी जो चीजें बोलती है ना, इस्लाम ने ये राइट दे दिया, वो राइट दे दिया, ना ना, जब से इस्लाम आया ना औरतों के राइट्स और नीचे गिर गए. ये बात तो है, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से किया जा रहा है. तारिक फतेह साहब बहुत सही बात बोलते थे कि एक अल्लाह का इस्लाम और एक मुल्ला का इस्लाम. तो मुल्ला का इस्लाम ही गंद है, अल्लाह के इस्लाम में राइट्स हैं, लेकिन ये मुल्ला का इस्लाम है जो ये गंद मचाता है. अच्छा एक चीज और, जैसे ये लड़की सामने आई, वैसे क्या कोई लड़की ऐसे बिकनी में घूम ले, क्या ये बहुत बड़ी चीज नहीं है ईरान के लिए? है, क्यों नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, जब भी तो इतनी बड़ी न्यूज बनी है. राइट, तो इसी तरह ना एक मैंने वीडियो देखा था एक बंदे का, लास्ट टाइम जब ये बहुत लिंचिंग चल रही थी पाकिस्तान में, तो वो उसके भाई उसको पकड़ के लेकर आया और कह रहा था उसके भाई कि इसने कुरान जलाया, इसने कुरान जलाया. अच्छा वो बंदा वहां खड़ा है, मैंने कहा इसका तो दिमाग खराब होगा, यानी ही मस्ट बी मेंटली इनसेन. वो खड़ा हो कह रहा हाँ मैंने जलाया, मैं कहा पागल ही होगा ये. राइट, मगर वो बताऊं क्या बोल रहा था बार बार, वो कह रहा था मुझसे पूछो मैंने क्यों जलाया. जब उसने ये बात की ना, मैंने कहा ही इज नॉट, ही इज वेल, उसका दिमाग खराब नहीं है. तो ये शॉकिंग चीज है, क्योंकि फिर मैं आपको कह रही हूँ, जब आप किसी को दीवार से लगाओगे,
यानी एक ऐसी कि आपका थोड़ा सा बाल दिख गया तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी. व्हाट काइंड ऑफ, कोई हमारे राइट्स हैं ही नहीं, हम इंसान ही नहीं है, राइट? तो व्हेन दिस इज गोइंग टू हैपन, तो अब ये जो है, अब ये जैसे वो माशा जो थी वो एक रेवोल्यूशनरी की तरह से वो दिखा था ना, तो दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन. अब इसको ट्विस्ट भी किया जा रहा है बहुत तरीके से, ओ नंगा होना जो है वो अब प्रोग्रेसिव है, वो रेवोल्यूशनरी है. क्योंकि आप लोगों का दिमाग इतना सा है ना, आप लोगों का दिमाग वहां से ऊपर गया ही नहीं. इट इज नॉट अबाउट बीइंग नंगा, इट इज नॉट अबाउट डूइंग दैट, इट इज अबाउट हैविंग योर ओन पर्सनल चॉइस. आपने जो पहनना है आपको वो पहनने की इजाजत होनी चाहिए है. अब इस औरत को अगर चॉइस होती तो आपको क्या लगता है कि ये बिकिनी पहन के घूम रही होती ईरान में? नहीं ना. कोई भी औरत को अगर आप चॉइस दे दो अभी ईरान में, फुल छुट्टी दे दो पहनने के लिए जो भी पहन, आई कैन गारंटी यू कि ज्यादातर औरतें कोई बिकिनी पहन के तो नहीं होंगी. हाँ, ज्यादा से ज्यादा उतार देंगे, शायद शॉर्ट स्लीव्स पहन ले, जीन्स पहन ले, मगर कोई यहाँ पर बिकिनी पहन के घूमेगी नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर उसने बिकिनी पहन के घूमी तो दरिंदे घूम रहे हैं, वो क्या करेगी उसके साथ, वो तो हमको ऑलरेडी पता है ना. मगर यहाँ आप देख लो, यहाँ हम बिकिनी पहन के जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, कोई कोई नहीं देखता, नो बडी केयर्स कि मैं क्या पहनी हूँ क्या नहीं पहनी हूँ. ये सिर्फ इन्हीं लोगों को तकलीफ होती है. अच्छा, ये बिकिनी पहन के जो घूम रही है, इसकी इसके लिए ज्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे अपने साउथ एशिया के कंट्रीज है, यहाँ पे सपोर्ट है. अरे यार, कैसी कैसी बेहाया औरत है, क्या कपड़े उतर पहन के घूम रही है. और वो सारे के सारे लोग जो बेहाया औरत बोल रहे हैं, वो सारे के सारे लोग अपने बाथरूम में, बेडरूम में जाकर के उसी वीडियो को कई बार रोल कर करके देख रहे हैं. ये मुनाफत भी बहुत दिख रही है ना, जिस तरीके, मतलब क्या इस माइंडसेट से बाहर नहीं आ सकते आप? मुना आप मुसलमान हो ही नहीं सकते मुझे तो लगता है, जब तक आप मुनाफिकत ना करो. मैंने अभी एक वीडियो चढ़ाया है ना अपने यूट्यूब पे, अगर आप लोग जाके देखें, तो एक बंदा ना हमेशा मुझको आके ना नीचे आंटी आंटी लिखता था मेरे कमेंट सेक्शन में फेसबुक पे, और गंदी गंदी बातें ना, तो उसकी अपनी तस्वीर वगैरह थी, खुद 50 साल का बुढ़ा, मैं तो फिर भी 42 की. तो मैंने उसको लिया, मैंने कहा तुम ये बकवास बातें क्यों लिख रहे होते हो, क्या तुम बारहवीं? कहता है भाई मैं आपके साथ यहाँ पे करता हूँ, बाहर जाके तुम शरीफ बन जाते हैं. कहते ये तो हमारा माशरा है, मैं तो माशरे का हिस्सा हूँ. उसने माना, मैंने कहा एटलीस्ट तूने सच तो बोला ना कि तुम हो मुनाफिक. तो ये मुनाफिकत है इनकी, क्योंकि मेरे फेसबुक पर, अब आपको खुद ही यहाँ से पता चल जाएगा, सारी इनसाइट आती, मेरे फेसबुक पर 70% पाकिस्तानी है, ठीक है? उसके बाद आता है सऊदी अरब का नंबर, उसके बाद सारे कतर, और फिर जाके चौथे पांचवे पे ना इंडिया का नंबर आता है, कैनेडा और यूएस तो है ही नहीं, ठीक है? मैं कोई वीडियो ऐसी डाल दू ना, ऐसी 10,000-20,000 व्यूज आ जाएंगे. हाँ, मैंने लास्ट वीक एक स्विमिंग पूल पे बिकिनी पहनकर, वो भी सिर्फ टॉप, वो 2 लाख से ऊपर चला गया. तो तुम लोग देखना क्या चाह रहे हो? देखना भी है आके अपने आप को, सॉरी टू से, फारिग भी करना है, और फिर आके मुझे गाली भी देनी है? ये आपका मुनाफिकत है, ये आपका है या नहीं? तो उसपे भी, और बेहया मैं हुई. अच्छा, बेहया मैं हुई, मगर अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं बुरका करके बैठ जाऊं और अल्लाह अल्लाह करती रहूं, तो कहेंगे हाय देखो कितनी अच्छी अच्छी औरत है. बंद करके मैं बिकिनी पहन के बाहर घूमूं, किसी को पता ही नहीं चलना. वो इनको पसंद है, वो पसंद है इनको, मगर जो बंदी हिपोक्रेट नहीं है वो इनको भाती नहीं है. और मेरी हमेशा से ये रहा है कि मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, जो मैं यहाँ हूँ सामने हूँ मैं, वो वैसी घर पे भी, यू नो, क्योंकि मुझसे हिपोक्रेसी बर्दाश्त नहीं होती. ये भी एक बहुत मुश्किल काम होता है, जो कि मैं जैसी हूं और वैसी ही सबके सामने हूं. और दूसरी बात, अगर आप बुरके में वीडियो बनाएं, एक बार बना के देखिए, एक बार बना के देखिए, पता चलेगा जो ये 10,000 व्यूज आ रहे हैं ये करीब 2,000 पे जाके अटक जाए, क्योंकि ये शेयर, वो वीडियो शेयर नहीं होगा, वो वीडियो दिखाया नहीं जाएगा अपने दोस्तों को. अरे देख 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 कैसे लग रही है, क्या हम जानते नहीं है इस कहानी को? सब जानते हैं. तो ईरान की मॉरल पुलिस जो कर रही है पाकिस्तान में फार्म हाउसेस में जो हो रहा है, या ईरान की वो जेंट्री वो क्या कर रही है, सबको पता है, सबके सामने. क्या सऊदी अरेबिया में जो होता है पता नहीं किसी को? वहां पे फिलीपींस की जो मेड्स आती हैं और वो दूसरी जो मेड्स आती हैं थाईलैंड से और दूसरे कंट्री से, उनके सब क्या होता है किसी को नहीं पता है क्या? रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है ये, रिकॉर्डेड पुलिस कंप्लेंट्स है इसकी और इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स है इसके सब. यूएई में क्या होता है ये क्या नहीं पता? आप एक बार सिर्फ सर्च मार के देखिए ना, सर्च मार के देखिए एस्कॉर्ट गर्ल इन यूएई, आपको देखो कितनी मिलेंगी. मुसलमान कंट्री नहीं है क्या?
मुझे तो पता है ना, मैं गई थी, अभी 10 साल पुरानी बात में कर रही हूँ, जब मैं पाकिस्तान गई थी ना, द फर्स्ट टाइम आई वेंट बैक आफ्टर 14 इयर्स, तो मैं तो देख के पागल हो गई थी. आई वाज लाइक ये तो इस्लामिक कंट्री थी, जब छोड़ा तो मैं बच्ची थी उस वक्त, मुझे इतना नहीं, आई वाज नेवर के भाई वाइन शॉप भी वहां पर है, तो पार्टीज में भी जा रही थी. और यहाँ से ना ज्यादा होता है वहां पर, क्योंकि उनको करने को नहीं मिलता ना. मैं अपने साथ दारू लेके गई, आए भाई पागल हो गए, सब सबको दारू पीनी थी, सब मुसलमानों को दारू पीनी थी, वो भी ब्रांडेड. मैंने कहा क्योंकि उनको तो खुद की मरी ब्रूरी है, वहां से लोगों के घरों में बक्से के बक्से आते हैं अल्कोहल के, और वही लोग फिर जो है मीडिया वाले वहां पर वो पीछे करके दिखा रहे होते हैं, देखो हम तो यहाँ जला रहे हैं अल्कोहल. अरे इनसे ज्यादा मुनाफिक कोई कौम नहीं है. आप लोग अपने इंस्टाग्राम के, अपने इलीट्स के जाके देखो, जरा इंस्टाग्राम चेकआउट करो, वो सारी लड़कियां सब कुछ पहन के घूम रही होती हैं, दारू पी के गाड़ी चला रही होती हैं, उनके साथ गे मैन भी बैठे हुए हैं, सब कुछ होता है. मगर वो कहने कोई, अब वो उस दिन एक और कॉल पे आया बंदा, यार वो बंदा पहले मेरे ना यूट्यूब पे आता था, कॉल पे लिया ना, तो कहने लगा आपने मुझे पहचाना नहीं. मैंने कहा नहीं, कहना मैं आपके यूट्यूब पे आता था, याद है मैं आपको पूरा नंगा होके दिखाता था, और वो करता था. तो आप जैसे नीचे ना आ जाते हैं लोग, तो मैं बैठा होता था, पूरा नंगा होता था, सब कुछ दिखाता था मुझको. वो रहता है सऊदी अरब में और उसकी शादी हुई भी है. तो मैंने कहा सऊदी अरब में हो, तुम्हारी शादी हुई भी है, तो तुम क्या करते हो, बीवी तो है नहीं वहां पे. भाई हम क्या करें, आपको देख लेते हैं, यहाँ पर कोई बंगालने हैं वो होती हैं, मगर बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल है. वो खुद सारे सच बता रहे हैं ये लोग, और ये खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हुए बैठे हैं. और जब उनसे इस्लाम का पूछो तो वो नहीं, वो तो अल्लाह माफ करने वाला है, ये अल्लाह माफ करने वाला है यार, सीरियसली. तो ये सारी चीजें आपकी हिपोक्रेसी की हैं, दैट इज व्हाट आई डोंट लाइक. अगर आपने करना है, अगर आप इजाजत दे दो ना लोगों को, तो फिर भी थोड़ा सा तमीज में आ जाएंगे, उसको आप फिर भी थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो. ड्रग्स देख लो तो वहां पर कोई देखने वाला ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे मुजरे होते हैं वहां पर, ठीक है ना, ट्रांसजेंडर के मुजरे होते हैं वहां पर, और नीचे पैसे जो इकट्ठे कर रहे होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहां. आपके बच्चों को इतनी, यानी यंग एज से आपने सेक्सुअलाइज किया हुआ है. एक 5 साल की लड़की को हिजाब पहनने की क्या जरूरत है, उसको तुम गंदी नजर से देख भी कैसे सकते हो. हाउ डेयर यू, बेचारे छोटे छोटे बच्चे जो मदरसों में जा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, वो वहां पर आंखें बंद हो जाती हैं इनकी. इतनी सारे मदरसों में नहीं होता, अरे एक मदरसे में भी क्यों हो रहा है ये, क्या तुम्हारे इस्लाम में दिखाते हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा एक, एक इंडिया की एक बड़ी खबर थी, इंडिया में एक स्टेट है बिहार, उस स्टेट में नशाबंदी, शराब नहीं बेच सकते, जो शराब मिलती है उसको पुलिस सीज कर लेती है, लाखों लीटर सीज की गई. अच्छा जब काउंटिंग हुई तो 1000 लीटर कम निकली, तो पुलिस ने बोला कि ये 1000 लीटर चूहे पी गए. तो वो ऐसा ही चूहे पाकिस्तान में भी पी रहे, क्यों, क्योंकि जो शराब है वो गायब हो जाती है, आदमी पी गया बाद में चूहे का नाम लगा दिया कि चूहा पी गए, तो अरे चूहा शराब पी रहे हैं. ये हो रहा है पाकिस्तान में भी, इंडिया में तो खैर ऑफ कोर्स लीगलाइज्ड है, इंडिया में तो आराम से सब कुछ खुला है, क्यों इंडिया में इतना सेक्सुअल क्राइम आपको नहीं दिखता है. ये लोग बोलते हैं कि इंडिया इज़ रेप कैपिटल, ये वो. बॉस एक लड़की, एक लेडी कार में हाईवे पे जा रही है और उधर गैंग रेप हो जाए उसके साथ, ऐसा इंडिया में नहीं सुना. ये पाकिस्तान में होता है, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो इतनी क्लोज सोसाइटी और कब्जा जमींदारों का, ये तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है. मुख्तार भाई के साथ गैंग रेप होगा और बाद में सबका एक्साउंट कर दिया जाएगा, नहीं ये झूठ बोल रही थी, ऐसा ही होता है. थैंक्स अ लॉट मैरी जी. या प्लीज एक लास्ट पॉइंट ये बोल दूं, देखिए रेप जो है ना पूरी दुनिया भर में होते हैं. अब जो इंडिया को ये रेप कैपिटल बोलते रहते हैं, भैया आपकी इंडिया की पॉपुलेशन तो देखो, आपकी इंडिया की पॉपुलेशन देखो ना, उसके हिसाब से आप काउंट करोगे ना, परसेंटेज वहां भी तो लगा दिया करो. ओ अमेरिका में बड़े रेप होते हैं, अमेरिका में रेप नहीं, आपको कोई हाथ भी लगा दे ना या आपके सामने नंगा भी हो जाए तो उसको एज सेक्सुअल असॉल्ट करके उसको काउंट किया जाता है. आपके तो पाकिस्तान में रिपोर्ट ही नहीं होती है, क्योंकि रिपोर्ट लिखाने जाती है बंदी थाने में, तो उसका वहां पे भी रेप हो जाता है, वहां पे उससे क्वेश्चंस किए जाते हैं इतने इतने. अरे कितने वीडियोस आए हैं, वो एक वीडियो आया था जहां पर मर्द को पकड़ा था, मर्द और औरत को, तो वहां पे सामने उनसे करवाया गया था कि तुम यूं करो यूं करो, उसको पूरा नंगा करा था, जलील करा था इस तरीके से. लाइक हाउ डेयर दे टॉक अबाउट एनीबॉडी. और फिर मैं ये बात कहती हूँ कि इंडिया क्या आपका मुल्क है, आपके घर में खुद कचरा पड़ा है, तुम्हें ये क्या है कि नेबर के घर में क्या हो रहा है, नेबर का घर जले मेरी बला से, मैं अपना घर पहले साफ करूंगी ना. आप तो वैसे ही इंडिया से खार खाते हो, अरे हो रहा है तो खराब हो रहे, तबाह हो रहे, बर्बाद हो रहे, आपको खुश होना चाहिए. आप क्यों हमेशा इंडिया के अंदर घुसते रहते हो,
आप अपने आप को करो ना ठीक, आपकी पॉपुलेशन इतनी सी, उसमें से आपके 50% मर्द ऐसे हैं लाइक खुद इनको, मगर वही है ना बात समझ में आनी की नहीं है इनके पास, क्योंकि दिमाग यहाँ से नहीं सोचते ना, ये सारे सोचते नीचे से, तो समझ में कहाँ से आनी है बात। राइट, और ये जो बताते हैं ना, इंडिया में केसेस ऑफ कोर्स अनरिपोर्टेड होते हैं, लेकिन इंडिया में रिपोर्टेड जो केसेस है ना उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, उनकी उनकी वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में रिपोर्ट ही नहीं हो रहे, 1% भी रिपोर्ट नहीं हो रहे, ये प्रॉब्लम है। अमेरिका में सारे रिपोर्ट हो रहे हैं, कोई हो सकता है वहां पे भी 10-15% अनरिपोर्टेड हों, लेकिन रिपोर्ट हो रहे हैं। एक बार लेडी को इतनी हिम्मत दो कि वो रिपोर्ट करके आए, फिर पता लगेगा पाकिस्तान में कितने हो रहे हैं, हिम्मत ही नहीं, क्योंकि उस जमींदार के खिलाफ बोलेगा कौन। रोहित जी, अभी एक नया रिसेंट अभी केस आया था, लाहौर यूनिवर्सिटी का था, कॉलेज का था, किसका, कि जहां पर सब ये लड़के बाहर आ गए थे कि रेप हुआ है। एक लड़की थी उसके माँ कह रही वो सीढ़ी से गिर गई, ये हुआ वो हुआ, बाद में जाकर ये हुआ कि नहीं वो तो एक स्टोरी बनाई गई थी, एक प्रोपेगेंडा बनाया गया था, तो वो एग्जाम्स को कैंसिल करवाना था, तो इन सब लोगों ने ये बनाया कि बाहर आएंगे, और कोइंसिडेंटली उसी वक्त एक लड़की भी गिर गई सीढ़ियों से और वो शायद मर भी गई। मैं बड़े कोइंसिडेंट होते हैं, उसको ऐसा दबा दबू कर इन्होंने आए फाए बाए की अब कोई बात ही नहीं कर रहा उसे, बिल्कुल सही, वो होता है। अच्छा एक चीज और है, पुलिस में ये आलम हो रहे हैं, पाकिस्तान की पुलिस की, मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन जरूर है, कि कोई कंप्लेंट करने गई, पुलिस वालों को आप 10,000 रुपए दीजिए, पुलिस वहीं बैठाएगी, उसके घर वालों को भी बुलाएगी, मारपीट करेगी और लड़की से लिखवा लेगी कि देख या तो तुम लिख दो कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ गलत, या अगर आप नहीं लिखते हो तो आपके पेरेंट्स को और आपके भाई को हम जेल में डालेंगे। तो क्या करेगी लड़की, ये सिचुएशन है। यही अक्रॉस द इस्लामिक वर्ल्ड भी हो रहा है, ईरान में भी यही हो रहा है, इसीलिए वो लेडी ऐसे आई। थैंक्स अ लॉट कलीग जी, नाइस डिस्कशन, जल्दी ही एक डिस्कशन और करेंगे क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस चल रहे हैं, तो हम हो सकता है उस पर भी बात कर लें। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।